आज फेयरवेल थी तो अभी उठाऊँ, अभी थोड़ी देर में फेयरवेल की तैयारी करेंगे और फिर फेयरवेल पे जाएंगे। तो फेयरवेल का ड्रेस कोड ब्लैक सलवार कमीज और साथ में वाइट चादर है शॉल, तो अभी वो पहनते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं फेयरवेल पे। कैसे हैं आप लोग? आज हाँ हमारी भाई फेयरवेल थी तो अभी हम तैयार हो गए। हाँ सॉरी, आज हमारी फेयरवेल है, हम तैयार श्यार हो गए। बिल्कुल 8 बजे बुलाया था और हमेशा की तरह मैं दोबारा लेट हूँ, 9 बजे। तो अभी चलते हैं कॉलेज और आज आखिरी दिन है एक हिसाब से हमारा, सब ऑफिशियली आखिरी आखिरी दिन ऑफिशियली आखिरी दिन सब खत्म हो जाएगा आज। तो तैयार श्यार हो गए हम, देख लें जरा। और इंडिया को एक मैं पैगाम देना चाहूंगा। नहीं, इंडिया को पैगाम नहीं देना, हम तो बस ये पैगाम देंगे कि देखो जान किसी चीज का हल। अभी हम जा रहे थे एक दोस्त को पिक करने और यहाँ पे फुल सीन बैड हुआ है, सारा कीचड़ हुआ है, तो हम ज़रा साइड से जाएंगे और अली को पिक करने हमने अभी, और वहाँ पे बाकी दोस्त भी अली के घर ही हैं, तो सबको वहाँ से पिक करके और फिर हम जाएंगे कॉलेज की तरफ। इंशाल्लाह आज का दिन अच्छा गुजरेगा हमारा। और ये आगे टीचर आ गए तो बस सर, फिर हमारे साथ एक बंदा तो रास्ते में मिल गया, हसनैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अभी चलते हैं अली के पास और फिर सारे इकट्ठे होके कॉलेज हाँ जाएंगे। तो उसके बाद स्किट्स की प्रैक्टिस करनी है पहले। तो फेयरवेल जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगी, जिसमें बाकी सारे स्टूडेंट आएंगे, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें पहले जाना है, और आपका भाई भी परफॉर्म कर रहा है तो इसलिए हम भी पहले जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर फेयरवेल जब ऑफिशियली स्टार्ट होगी तो फिर आपको दिखाएंगे क्या सीन्स होते हैं। ये बंदा भी आ गया, लेट आया, ये हम सारे टाइम पे थे। चलो छोड़ो, मैं नहीं बताता था। अच्छा अभी अब सारे जा रहे हैं हम कॉलेज की तरफ और पहले स्किट की प्रैक्टिस करेंगे। व्लॉग में नहीं आ रहा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ओए तू बड़ा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा यार। आ रहा हूं कि नहीं आ रहा? आ रहा मेरे बराबर के हो जाए। और जी अरसलान साहब, ठुकना नहीं है, बाकी सारी खैर। ठुकना नहीं है बस यार, बाकी खैर है। रख देना 2 मिनट। रोड की बात क्लास कितनी हुई? क्लास में सारे गलत हो गया यार, लेकिन हमारा अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग होता है। अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग होता है तो क्या की किरकिरी कैसे है रहा? क्या की किरकिरी को? नहीं, मैं उसकी वाले घर से बोल रहा हूं। अभी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम कॉलेज जा चुके हैं और हमाद भाई ब्लॉग शुरू कर चुके हैं, तो आज हम इनका ब्लॉग खराब करेंगे, ठीक है? और ये हमारा तो अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग होता है, आपको तो पता ही है। गुल्ला जी, गुल्ला जी हेयर, गुल्ला जी, गुल्ला जी हेयर, गुल्ला जी, गुल्ला जी, जैसे आपको पता है कि हटना यार, हटना सामने से। और देख जैसे एक्सक्यूज मी, साल है, एक्सक्यूज मी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सारे सारे ठीक हैं? माता जी आप कैसे? अरे फिर काला सुना है गुल्ला पे, जरा गुल्ले को चेक करें आप बस। गुल्ला जी हेयर, गुल्ला जी फुल टू मूड, फुल सीन ऑन है। चले जाए माद भाई, मैं जरा अभी सारा ये ओ हो गुज्जर साहब, तो गुज्जर साहब तो फुल फॉर्म में फोटो सीन चल रहे। तो ये हमारे सर हैं, वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर माय ब्लॉग? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लासेस एंड हमाद इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। ये सर पैसे देंगे। हमने फेयरवेल में टाइटल्स देने थे, लेकिन सर वीपी ने अभी हमें मना कर दिया, तो टाइटल्स वाला सीन बैड हो गया। बाकी किट्स वगैरह तो हो रहे हैं,
उनमें शुगर लगेगा फुल टाइम। अभी हम आए लैपटॉप लेने मैम से, क्योंकि फेयरवेल की वीडियो प्ले करनी है, और अभी लैपटॉप लेंगे, फेयरवेल की वीडियो फाइनल करवाएंगे, और उसके बाद फिर शुगर फेयरवेल में जो मजा है। तो यार अभी वीडियो सेट हो रही है, साउंड वगैरह सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो प्ले होगी। और अभी हम परफॉर्मेंस है तो हमें बैक स्टेज जाना पड़ेगा, तो बैक स्टेज जाएंगे, बाकी वीडियो इंजॉय करेंगे सारी वहाँ कुछ सड़के यहाँ, उसके बाद फिर मोहित साहब मोहित साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं। कौन है ये अपने मोबाइल सारे बैठे हुए हैं, किसी भी ब्लॉग में नहीं आए ये लोग, क्योंकि ये लिफ्ट ही नहीं कराते, भी बड़े लोग हैं लिफ्ट ही नहीं कराते, इसी बात में ये ब्लॉगर बन गए हैं, टच कराते हैं, कोई नज़र नहीं आता यार ऐसा कुछ। हालांकि हमने सब्सक्राइब किया भाई को यार, अभी वीडियो देखना तो फेयरवेल की चलेगी देख लो। सलमान आप लेकिन हमने कोशिश की है जितनी हमें तस्वीरें मिली हमने डाली है, तो इन्जॉय करें आप उनका बाहर है। चल रहा है और तो हालात भी थोड़े से खराब हो गए, इसलिए व्लॉग नहीं किया। अभी खैर कुछ नहीं होता, अच्छा अभी फोटो सेशन चल रहा है थोड़ा सा पीछे, तो फोटो सेशन हो रहा है, उसके बाद फोटो सेशन के बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। हमने काफ़ी शुगर लगाया, उसका मैं व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि मैं परफॉर्मेंस ज़्यादा था, और साथ में परफॉर्मेंस मेरा डांस आप भी देखें, मैं आपका ब्लॉग में दे दूंगा, ब्लॉग में डांस आएगा तो देखें, और मेरा भी शायद स्किट हो किसी ने अगर रिकॉर्ड किया है, मैं तो नहीं कर पाया। उसके बाद फेयरवेल मैनेजमेंट का सारा सीन था, तो इसलिए मैं ज़रा फ्री नहीं हुआ आज ड्रॉ करने के लिए, लेकिन फेयरवेल बहुत अच्छी हो गई, बहुत मज़ा आया। और हमने टीचर्स को भी टाइटल दिया, उन्होंने कहा था कि टाइटल नहीं देने, लेकिन आपको पता है स्टाफ रूम में जाकर हमने स्टाफ रूम में जाकर एक मेमरीज बन गई हमारी, मेमरीज बनी है, और टीच और टीचर्स उम्मीद है कि हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। हम भी काफ़ी अफसोस है कि मैं फेयरवेल का व्लॉग नहीं कर सका, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस में था और साथ में मेरे थोड़े से स्किट्स थे और फेयरवेल की भी मैनेजमेंट थी, तो काफ़ी बंदे रोने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये बात है कि भाई की वीडियो ने काफ़ी बंदों को रुला दिया है, काफ़ी इमोशनल वीडियो थी, इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वो आएगी। तो I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting the looks in the banner.